प्रणाम सर। खुश हो? आरबीआई के बारे में बताएंगे कि कर्जा कैसे देती है। आरबीआई में क्या क्या पढ़े थे? अरबी ये तो नहीं पढ़े सर इधर हम लोग। आईबीआरडी IBRD पढ़े थे। आईबीआरडी कहीं बात कर रहे हैं। उसमें सर एक बहुत कम हुआ था। प्रणाम सर। खुश रहो। क्या नाम है? श्वेता सर। श्वेता, श्वेता कुमारी सर। कब एडमिशन हुआ है? सर आज एडमिशन लिया है सर। योगेंद्र वर्मा के? जी सर। कौन है उनकी? सर हमारे हस्बैंड है। तो बीए कहाँ से की हो? जी जी सर, बीए बीएनआर कॉलेज से किए हैं सर। बीएनआर? जी सर। सर हम आपसे पढ़े हैं सर, ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़े थे और पीजी में। और तुम्हारा चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है, इसलिए हमको लगा कि। जी सर, जी सर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से पटना यूनिवर्सिटी से किए थे सर। आपसे मैथमेटिक्स पढ़े थे सर। क्या कर रही हो? कहीं टीचर हो? सर प्रोजेक्ट इकोनॉमिस्ट है DRDA गया में। गया में हो? जी सर। अब इस बार BTSC देना चाह रही हो? जी सर। ठीक है, तो तुम वो सुबह में जाती हो, दिन में क्लास करने जाती हो? दिन में जी तुम्हारा सर। ड्यूटी रहता है? सुबह में ड्यूटी रहता है दिन में? सर एक्चुअली प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया सर, तो अभी उस पर केस चल रहा है। अच्छा, और अभी सर एस्टेट जो हुआ था टीचर वाला, उसमें रिजल्ट हुआ है सर। ठीक है, हो जाएगा। तुमको तो अच्छा स्टूडेंट थी। ये 7 बजे वाला क्लास तुमको सूट करेगा ना? जी सर। जी 3 बजे नहीं सूट करेगा सर, एक्चुअली इस गया में सर एक स्कूल लॉन्च किए हुए हैं, तो स्कूल घर में चलाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। स्कूल क्या बजे खत्म होता है? जी सर। स्कूल खत्म कितने बजे होता है? सर स्कूल 2 बजे खत्म होता है सर, फिर उसके बाद बच्चे लोग आ जाते हैं सर। सर 2 बच्चे हैं हमारे। हेलो, बहुत खुशी हुई। हमको लगता है कि 5 साल बाद मिल रही हो। जी सर, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं सर। एक्चुअली हस्बैंड कहे कि आप उधर परेशान है, तो BPSC में लग जाइए सर। तो PT इस बार अच्छा गया हुआ है, अच्छा तो सर उनका वो भी उनका पाली पाली उनका सब्जेक्ट है सर, तो पाली मेरे बस की बात नहीं है, तो हम बोले कि नहीं संस्करण में जाना होगा। नहीं, तुम इकोनॉमिक्स से तो निकाल लोगी, तुम्हारा बेस मजबूत जी, आपका आशीर्वाद जी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व बैंक का एक हिस्सा है, IBRD। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, कान में लगा लो, आवाज नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जी। लिख लो, टाइटल लिख लो। जी सर। हेलो
जी सर। कैसे चल रहा है तो होगा क्या? फिर से डालो, कुछ ना कुछ वहां तुम्हारे साइड से गड़बड़ी, गुजरात से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश वाला आया हुआ है, दरभंगा वाला उत्तर प्रदेश का आया हुआ। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, टाइटल लिख लीजिए। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। राष्ट्रीय पुनर्विकास पुनर्निर्माण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास म्यूट कर लो, म्यूट कर लो श्वेता, म्यूट कर लो। जी जी सर। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। प्रणाम सर। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। IBRD की स्थापना 10 उड्स सम्मेलन USA में ईस्वी में IBRD की स्थापना ब्रेटन सम्मेलन USA में 1945 ईस्वी में हुआ। IBRD की स्थापना ब्रेटन सम्मेलन USA में 1945 ईस्वी में हुआ।
द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों में युद्ध से क्षति हुई। और फ्रांस को सबसे ज्यादा क्षति हुई। फ्रांस को सबसे ज्यादा क्षति हुई तब इस क्षतिग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण। प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ छत्तीसगढ़ देशों के निर्माण हेतु भारी मात्रा में मुद्रा में ऋण दिया गया। 1945 से 1951 आईबीआरडी ने केवल ऋण प्रदान किया। तथा 1952 ईस्वी से
देना। प्रियंका जी सर, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं IBRD। IBRD जो है कैसे ऋण देती है उसी की प्रक्रिया को देखेंगे। जी सर। सर इसमें पढ़ाए थे कुछ एक सप्ताह पहले, 2% भूमिका। हाँ कल भेजे थे सर, वो पढ़ाए थे IBRD की भूमिका। अच्छा, और ये वाला कैसे? ये है IBRD के ऋण देने की प्रक्रिया। ठीक है सर। प्रियंका जी सर, आज ज्वाइन किया है मेरी पुरानी स्टूडेंट है श्वेता। श्वेता दी एक दूसरी है, अभी श्वेता है, श्वेता ही होगी, तुम लोग से सीनियर थी। अच्छा, दरभंगा हाउस में कब थी तुम? अभी 20 से 22 है सर। मैं दरभंगा हाउस में, श्वेता कब थी तुम? जी सर 2003-2005 सर। 2003 से 2005 में जी सर। प्रियंका अभी एडमिशन लिए दरभंगा हाउस में, 20 से 22 सर। मेरा सेशन 20 से 22 हुआ, 2020 से 2022। चलिए दी, अच्छा लगा आपसे मिलके। 2003 ना हो गया, 2003 चार बोली, कितना बोली? 3-5 जी। तुम हो 2020-22 जी। 5 में थोड़ी मोदी था, इसकी सरकार थी उस समय सर, ये मनमोहन सिंह थे सर, मनमोहन सिंह सरकार जी। दी तो दोनों सरकार के टाइम में इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, उस टाइम भी पढ़ रही थी, अभी भी पढ़ रही है। तो तुम इनसे कांटेक्ट में रहोगी, समझी, जो हम तुमको पढ़ाए हुए हैं जी सर, वो सब टॉपिक इसको शेयर कर दो। ठीक है सर, कर देती हूँ, व्हाट्सएप से कनेक्शन कर लो। जी जी, प्रियंका नाम हुआ ना जी। आप पटना में रहती हैं दी? नहीं, हम गया में है प्रियंका। अच्छा ठीक है दी, आपको व्हाट्सएप करते हैं हम अभी क्लास में जाने को। ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं कि IBRD जो है क्यों बना। IBRD इसलिए बना कि सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारा देश क्षतिग्रस्त हो गया, बम चला तो बम पर पूरा शहर गायब हो गया, पूरा रेलवे लाइन गायब हो गया, डैम टूट गया, तो उसको बनाने की शक्ति किसी भी देश में नहीं थी। सबसे ज्यादा क्षति जो है फ्रांस में हुआ, एकदम बर्बाद हो गया। फ्रांस के बगल में जर्मनी है, जो भी बम छोड़ता था उस पर पहले फ्रांस में गिरता। हम लोग इंडिया में तो दूर में है, हम लोग को कोई खास उतना असर नहीं हुआ, लेकिन यूरोप में बहुत क्षति। कहता है ये IBRD की जो स्थापना हुई उसमें उद्देश्य रखा गया, फर्स्ट स्टेज में उन्हीं देशों को ऋण दिया जाए जहां की द्वितीय विश्व युद्ध में क्षति हुई, क्षति हो गई तो उसका पुनर्निर्माण होगा, पुनर्निर्माण जब हो जाएगा, रेलवे लाइन बन जाएगा या डैम बन जाएगा या जो हाउसिंग उड़ गया वो बन जाएगा, तो सब रिपेयर हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा, उसके बाद तब जब जो देश पिछड़ा हुआ है, जो देश अर्धविकसित है, जो देश विकासशील है, उसको उसके जरूरत के मुताबिक ऋण दिया जाएगा। अब इसके ऋण का खासियत क्या है, ये विदेशी मुद्रा में ऋण देता है और दीर्घकालीन ऋण देता है,
इसका संबंध जो है विकास से, भारतवर्ष में नेशनल हाईवे बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस विकसित करने के लिए, टेलीग्राफ को विकसित करने के लिए, ये ऋण देने का काम किया हुआ है। तो आईडीआरडी के ऋण देने के लिए पहले सदस्य देश को इसका मेंबर बनना है। मेंबर बने पर सदस्यता शुल्क देना है। सदस्यता शुल्क को बोला जाता है कोटा। कोटा देने पर सदस्य देश आईडीआरडी से ऋण ले सके। ऋण सदस्यता शुल्क कोटा सदस्य देश आईडीआरडी से ऋण ले सके। आईडीआरडी से ऋण ले सके। इसका कोटा बनाया हुआ है कि दो परसेंट कोटा का गोल्ड में जमा करना। IMF में 25%, यहाँ 2%, उसका 18% से मुद्रा जमा करना। कितना हो गया? 18-20 हो गया। और 80% मुद्रा देश के केंद्रीय बैंक के IBRD अकाउंट में जमा कर फ्री हो गया 100% कोटा। कितना जमा करना है कोटा देश? की मात्रा 10 बनने के लिए ये स्वयं निर्धारित करती है। देश स्वयं निर्धारित करती है
और कोटा के नियम के अनुसार जमा कर अब आईवीआरडी अपने सदस्य देश को आईवीआरडी अपने सदस्य देश को आईवीआरडी अपने सदस्य देश को वन ट्वेंटी फाइव परसेंट कोटा का 125% कोटा के बराबर इसी मुद्रा में विदेशी मुद्रा में ऋण कोटा के बराबर विदेशी मुद्रा में ऋण देती है तब आईवीआरडी अपने सदस्य देश को 125% कोटा के बराबर विदेशी मुद्रा में ऋण देती है, 25% एक्स्ट्रा देती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके ऋण देने का जो प्रोसेस क्या है, कैसे ऋण मिलेगा, वही बहुत कठिन रहता है, बहुत कठिन है ऋण देने का। उतार लिए जी सर। आईवीआरडी के द्वारा निम्नलिखित स्टेजेज में ऋण देने का निर्णय लिया जाता है। इसको टाटा की कंपनी आईवीआरडी से
ऑक्सीजन लिया था आईडीआरडी की सरकार को देश की सरकार को दीर्घकालीन ऋण देती है आईडीआरडी देश की सरकार को दीर्घकालीन ऋण देती है देश के अंदर निजी उपक्रम भी विदेशी मुद्रा में निजी उपक्रम को भी विदेशी मुद्रा में ऋण देती है देश की सरकार को दीर्घकालीन ऋण देती है तथा देश के अंदर निजी उपक्रम को भी विदेशी मुद्रा में ऋण देती है प्रथम चरण मान लें इसको भारत का कंपनी इसको के विस्तार एवं नवीन करने हेतु विदेशी मुद्रा एवं नवीन करने हेतु विदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा ऋण के लिए
के लिए अप्लाई आवेदन को IVRD में देने के पहले प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार से अनुमोदन डॉक्यूमेंट IVRD ऑफिस बात समझ में आई। जिस देश को लोन देना है वहां का प्राइवेट सेक्टर भी लोन ले सकता है, सरकार भी लोन ले सकती है। सरकार तो डायरेक्टली अप्लाई करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाला अगर अप्लाई करता है तो प्रोजेक्ट बना के पहले उसको कहां रिकमेंड कराना पड़ेगा। भारत सरकार के पास कहाँ रिकमेंड कराना पड़ेगा? भारत सरकार के पास। हाँ, पहला काम प्रथम चरण जो है फर्स्ट स्टेज है कि आपका प्रोजेक्ट जो है जिसको को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, नवीन करने के लिए जो भी आपको जितना करोड़ डॉलर चाहिए उसका एक प्रोजेक्ट बनाकर और भारत सरकार से उसको रिकमेंड करवाई। रिकमेंड कराने जाओगी तो हाथ में मक्खन लेके जाओगी, खाली हाथ में जाओगी? प्रियंका जी सर, लोन का एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कराने के लिए सरकार के पास ले जाना पड़ेगा, सरकार से उसको रिकमेंड कराना पड़ेगा। भारत सरकार के पास तो फॉर्म के साथ मक्खन भी ले जाना होगा, तुलसी फूल भी ले जाना होगा कि कैसे ही अप्लाई कर देना होगा? नहीं, उसके साथ ले जाना पड़ेगा बुक के और ये मिठाई लेके कि मिलने आए आपसे और मेरा एक काम है। यहीं पर फेल हो जाता है। कहने को निजी क्षेत्र के है तब किसको, तो बहुत बड़ा कंपनी है, बड़ा होने के बावजूद भी टाटा को वेस्ट बंगाल से निकाल बाहर कर दिए। जो अभिनंदी ग्राम नंदी ग्राम व्यक्ति बोलता है वहीं पर नैनो कार वाला का कारखाना लगा दिया था। 15,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। 15,000 करोड़ मामूली नहीं है,
इतना में तो दूसरा रहता तो बर्बादे हो जाता, लेकिन डाटा था कि उसको सह गया और सब उखाड़ पुखाड़ पे ले जा करके गुजरात में जाके लगाया। तो कहता है कि प्रथम चरण ही भारी है, जहां की सरकार स्वच्छ है, ईमानदार है, वो निजी कंपनी को विकास करना चाहता है तो तुरंत रिकमेंड कर देगा, मोहर लगा के दे देगा, ले जाइए मैं। लेकिन अगर वो सरकारी पार्टी के खिलाफ वाला पार्टी से जुड़ा हुआ है तो चक्कर काटते रहेगा काटते रहे, लेकिन जल्दी से फॉरवर्ड रिकमेंड नहीं हो पाएगा। इसीलिए सब लोग अभी कहता है कि क्या बोलता है, अंबानी और अडानी का राज है इंडिया में, राज है कि वो सब चीज ठीक ठाक करके ले जाता है, उसका ऋण का कागज माफ रिजेक्ट नहीं होगा, हर तरह से पूर्ण है वो। इलेक्शन होगा तो अपना हवाई जहाज दे देगा, हेलीकॉप्टर दे देगा, घूमिए चली। तो बड़ा बड़ा आदमी का बहुत अलग अलग तरीका होता है हेल्प करने का, बाद में वो उसको फायदा भी होता है। हम यहाँ बता रहे हैं कि किसको जो है वो उसको अप्लाई करने के पहले कागज किसके पास ले जाना पड़ेगा, भारत सरकार, भारत सरकार। भारत सरकार अगर ओके नहीं की तो प्रथम चरण में ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ओके कर दी, तब दूसरा चरण शुरू होगा। ओके करें कि रिजेक्ट कर दें? नहीं सर, ओके कर दीजिए, टाटा का तो हर जगह से सब जगह सब चीज है, थोड़ी रिजेक्ट होगा। तो ये देखे गया और ये जमा कर दी, भारत सरकार से अनुमोदन रिकमेंड करा के जमा कर दी, तो पहला स्टेज हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट में क्या विषय है आपका, आपका कितना जमीन है, कितना जमीन आप विस्तार कीजिएगा, कितना पूंजी लगाइएगा, अभी आप क्या बना रहे हैं, आने वाले समय में क्या बनाइएगा, ये सब आपको लिख देना पड़ेगा। कोई चीज बाद का बात नहीं है, लोहा स्टील का कारखाना है, स्टील का रेल का लाइन बनता है, स्टील का कांटेदार छड़ बनता है, ये तार और कांटेदार तार बनता है जो बॉर्डर पर लगाया जाता है। अभी दिल्ली में सिंगू बॉर्डर, कौन बॉर्डर, वहां वही कांटेदार तार लगाया, उसके भीतर से घुसेगा कोई जब कट जाएगा, घुसेगा करंट लगा देगा तो मरिएगा। कांटेदार बनाना है, छड़ बनाना है, सीट बनाना है, लोहा का सीट बनाना है, जिसे कार का चदरा जिसको कहते हैं चादर, कार बनने के लिए जो सीट होता है वो बनाना है, उसी से अलमारी बनता है, उसी से बहुत तरह का लोहा का चीज बनता है। इस तरीके से बहुत सारा आइटम बनाना है, जो बनाना है लिख करके आपको देना है। प्रथम चरण समाप्त। जी सर, प्रथम अध्याय समाप्त होने पर क्या बचता है? शंख बचता है सर। ये चरण में सेकेंड स्टेज में एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों का टीम
भारत आएगा और प्रोजेक्ट के सभी की जांच करेगा। कच्चा माल कहां से आएगा? माल कहां से कच्चा माल कहां से आएगा? बिजली, पानी, भूमि, सभी संसाधनों को जांच करेगा ताकि यह तय हो जाए इसको का इसको का प्रोजेक्ट सही है, इसे विदेशी मुद्रा ऋण दिया जा सकता। इसमें एक बहुत झमेला है कि विश्व बैंक IBRD से लोन अगर आप लीजिएगा डॉलर मशीन खरीदने के लिए, तो आप जहां से कहिएगा वहां से मशीन नहीं खरीदाएगा। विश्व बैंक का जो एक्सपर्ट कहेगा कि जिस देश का मशीन आपको सूट करेगा वहीं से ले रहा है। तो लीजिए कि आप लिख दिए कि हम रूस से लेंगे मशीन, IBRD का एक्सपर्ट कहेगा नहीं, आपको लेना है अमेरिका से या लेना है जर्मनी से या लेना है फ्रांस से, तीन अल्टरनेटिव आपको देते हैं, उसमें चुनिए, रूस से नहीं लेना। अगर आप कहते कि ना हम रूस से लेंगे तब आपका और में रिजेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। बराबर याद रखिए कि प्रोजेक्ट में जो ऋण मिलेगा वो विदेशी मुद्रा में ऋण मिलेगा, लेकिन उस विदेशी मुद्रा को खर्च आप कहां करेंगे ये आप निर्णय नहीं करेंगे। कौन निर्णय करेगा?
IBRD तो विदेशी मुद्रा ऋण दिया जा सकता है। विदेशी मुद्रा से मशीन प्लांट इस देश से खरीदा जाएगा या IBRD के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित अगर IBRD सुझाव से तो सहमत है तो प्रोजेक्ट ओके होगा और द्वितीय चरण प्रोजेक्ट ओके होगा प्रोजेक्ट ओके होगा और द्वितीय चरण समाप्त होगा। सब इंस्पेक्शन करके देख लिया कि ठीक है के पास सब सुविधा है प्लांट मशीन अगर इसको आ जाएगा तो ये काम कुछ कर लेगा और मशीन कहां से आएगा ये कौन निर्धारित करेगा IBRD एक्सपर्ट IBRD एक्सपर्ट हम लोग का भारत का एक आया हुआ था इसी तरह का प्रोजेक्ट था भारत सरकार का रेलवे में ऑटोमेटिक प्लांट बैठाना सिग्नल इग्नल जो अभी आजकल ऑटोमेटिक होता है ना कंप्यूटराइज टिकट देना इतना पहले हाथ से लिख के टिकट देता तो कहा कि सब कंप्यूटर अमेरिका का लगेगा। उस समय बिहार के ही आदमी थे रेलवे मंत्री इतिहास तरफ कहीं लालू प्रसाद सर इतिहास तरफ के कोई थे वो भीड़ गया कह के नहीं हम अपना ही इंडियन कंप्यूटर लगाएंगे। विश्व बैंक कहा कि आपका कंप्यूटर जो है अभी हाल में निकला है ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा हम ऐसे जगह कंप्यूटर आपको देंगे जहां की 500 साल से वो टेस्टेड है पांडे मुख्यमंत्री पांडे बिहार के कोई थे कौन पांडे नहीं यार के मुख्यमंत्री पांडे नाम से तो वो कहे कि बिहार भारत का जो कंप्यूटर है विश्व स्तरीय कंप्यूटर है और हमारे रेलवे लाइन पर
उसी का कंप्यूटर लगेगा, टिकट काटने में उसी का कंप्यूटर लगेगा, हम दूसरे देश का कंप्यूटर नहीं खरीदे, अपने ही देश का कंप्यूटर खरीदे। बोला कि नो द रिजेक्ट, और वापस चला गया, आप लोग का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, उनके सरकार के समय में वो नहीं बने। तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो कह रहा है, सुझाव से सहमत है तो प्रोजेक्ट ओके होगा। सर केदार पांडे थे मुख्यमंत्री, क्या थे? केदार पांडे। हाँ करेक्ट, कौन बोल रहा है? प्रभात सर, तुम्हारा दिमाग तो बोलते ही केदार पांडे। कितनो उनको हिलाया डुलाया था कि ना भारत का कंप्यूटर जो है विश्व का नंबर वन कंप्यूटर बनने जा रहा है, अभी कम समय है, उसे क्या हुआ? तो अंत में रिजेक्ट हो गया, कहा कि नहीं जगह जाइए मत, रेलवे अपना ही बलबूते पर हम डेवलप कर रहे, और वही हुआ, भारत अपने कंप्यूटर के बलबूते पर रेलवे को विकसित कर दिया। भारत को कैपेसिटी था कर दिया, सबको कैपेसिटी तो रहता नहीं है, इसलिए वो हाँ कह देता है। द्वितीय चरण समाप्त, लगभग है कि ऋण मिल ही जाएगा, तो भी अंत नहीं होगा। तृतीय चरण, थर्ड स्टेज जो है आरंभ हो गया, इसको प्रोजेक्ट के आईडीआरडी के तृतीय चरण में, आईडीआरडी के तृतीय चरण में श्वेता जी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होता, लिख लो, सैटरडे संडे क्लोज रहता है, उस पर अपना पढ़िए। और अगर बीच में किसी दिन क्लास नहीं होना है तो व्हाट्सएप पर वो न्यूज चला जाएगा, व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम आ जाएगा, डॉक्टर पीसी वर्मा एकेडमी, तुम्हारा नाम रहेगा, पास चला जाएगा, आज नहीं होगा किसी कारण से बंद हो गया कुछ को। और जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको रीराइट करके जी, और उसको फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज दो जी सर, और उसको हम चेक करते रहेंगे, तो लिखने की काम हो गया, सुनने का हो गया, रीराइट हो गया, चलते धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़े जी सर। इसको प्रोजेक्ट के आईबीआरडी के तीसरे चरण में क्या होगा, तो हो गया, फिर एक्सपर्ट आएगा, अब आएगा फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वित्तीय सलाहकार आएगा, वित्तीय विशेषज्ञ आएंगे, और विदेशी मुद्रा ऋण का ब्याज दर
का समझौता होता है। ऋण वापसी, ऋण वापसी के लिए समझौता हो, ऋण वापसी के लिए समझौता हो। देखिए IBRD कहेगा कि आप माल जो लोहा बनाइएगा उसको हम बेचवावेंगे, हम आपको खरीदार देंगे विदेशी, लोहा बना के आप उसको भेज दीजिए और वो डॉलर भुगतान करेगा। वही भुगतान जब करेगा 80% भुगतान कर देगा IBRD को, 20% भेज देगा इंडिया। हर खेप में ऋण जो लिए हुआ है उसका 80% क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। IBRD का ही सलाह पर अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, कहीं से इसको का लोहा लेगा, इसको खाली उत्पादन करेगा और उसको आ जाएगा कि इस कंट्री में यहां भेज दी, वहां भेज देगा। जब पेमेंट करना होगा तो पेमेंट इंडिया को नहीं करेगा, एग्रीमेंट के मुताबिक 80% 60% जो भी पेमेंट होगा, मान लीजिए 80-20 है, तो कहेगा 80% जो है आप IBRD को भेज दीजिए और 20% इंडिया को भेज, या 50% RBI भेज दीजिए, 50% इंडिया को भेज, जितना जल्दी सध जाएगा उतना अच्छा है। वो तो देख लेगा देश, 70% भेज दीजिए 30%, 50-50 तो हो गया, 50% भेज दीजिए 50% इंडिया में भेज दीजिए, तो कर्जा लौटाने। हाँ सर, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग ब्याज दर निर्धारित होता है सर? नहीं, ब्याज दर जो भी निर्धारण होगा वो तो हो गया निर्धारण, ब्याज तो लेगा इंडिया से ना। जी जी, ब्याज भी इंडिया से लेगा, ब्याज में देश से क्या मतलब है, वो तो IBRD आपको दे रहा है विदेशी मुद्रा, उस पर ब्याज लेगी IBRD आपसे। आपका जो बना हुआ माल है उसी का आदमी, उसी का कंट्री खरीदेगा, उसी का जो पैनल में है उसी को देगा, तो पैसा फंसने का कोई चांस इसमें रहेगा नहीं सर। IBRD का ही खरीदार है कोई देश, कोई कंपनी, और लोहा बनाया टिस्को, टिस्को बना के भेज दिया, मान लीजिए कोई कंपनी है फ्रांस का, उसको भेज दिया, फ्रांस का कंपनी पेमेंट करेगा तो यही एग्रीमेंट होगा कि 50% पेमेंट आप IBRD को कर दीजिए, 50% कैश भेज दीजिए किसको, इंडिया को भेज, किसको को भेज, जैसा उसमें है। अगर जल्दी चुकाना है तो ज्यादा दीजिए, दीर्घकाल तक ले जाना है तो दीजिए, ब्याज लगेगा आपको। तो ये एग्रीमेंट यही होगा तृतीय चरण, ऋण वापसी के लिए समझौता हो, तो हम ले रहे हैं 60% IBRD, 60% बिक्री का लेगा तथा 40% तथा 40% इसको को इसको का माल IBRD
के द्वारा चुने हुए कंपनी विदेश में माल खरीदना है, उसका तुरंत आईबीआरडी को 60% तथा किसको को 40% भुगतान करेगा। इसलिए इसलिए आईबीआरडी का ऋण वापसी कभी फेल नहीं होगा। हर हालत में विदेशी मुद्रा में ऋण वापसी आईबीआरडी के प्लान के अनुसार हो। अब तृतीय चरण समाप्त, सब एग्रीमेंट हो गया कि आप लोहा आराम से बनाइए, छड़ बनाइए, प्लेट बनाइए, रॉड बनाइए, रेल बनाइए, जैसा आपको डिमांड आता है बनाइए। और हम जो कह रहे हैं आपको चार वो ग्राहक बता दे रहे हैं कि चार ग्राहक, तीन ग्राहक जितना माल आपका है उठा ले, और उसके बदले में आपको डॉलर भेज देगा। टोटल डॉलर नहीं भेजेगा, 60% भेजेगा आईबीआरडी को और 40% भेजेगा कंपनी को। इससे कंपनी भी चलती रहेगी, ऋण भी सस्ता रहेगा, माल उत्पादन होगा और बिक जाएगा। और जगह जो बैंक आपको कर्जा देती है, माल बिकेगा कि ना बिकेगा इसके लिए बैंक को चिंता है नहीं, इसीलिए फेल हो जाता। अगर ये चिंता हो जाए कि हम कालीन बना रहे हैं तो ठीक है, कहाँ कहाँ कालीन आपका बिक सकता है उसे कांटेक्ट कराते हैं, आप कालीन बनाइए वहां भेजिए, कालीन वाला जो है आधा पैसा हमको भेजेगा आधा आपको भेजेगा। बैंक में एनपीए होता नहीं होता। आईबीआरडी जो है इस प्रकार से चुस्त सिस्टम रखे हुआ है कि आईबीआरडी अगर एक बार लोन आपको दे दिया तो उसको हर हालत में लोन वापस हो जाए, कभी भी बैड लोन नहीं हो। श्वेता तुम लोग के बैच में और कौन लड़की सब थी? अर्चना पांडे थी, श्वेता मोहन, शिवानी मोहन। अभी वो सब क्या कर रही है? सर शिवानी मोहन तो वहीं पटना ही में है सर। हाँ, और श्वेता मोहन रांची में है सर। अर्चना पांडे सर उत्तराखंड में है सर, टीचर में ज्वाइन की हुई है। शिवानी मोहन प्रोफेसर हो गई? जी सर। शिवानी मोहन क्या बनी है? जी सर वो प्रोफेसर है वहाँ, ये सर लॉ कॉलेज जो है ना सर, सेंट्रल लॉ कॉलेज चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जी 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 सर।
श्वेता मोहन जो है रांची लॉ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। जी सर, जी सर। अर्चना पांडे जो है वो उत्तराखंड में सर 10+2 में है। उत्तराखंड में जो है वहाँ वो प्रिंसिपल हो गई। जी सर। तुम्हारा बैच तो बहुत शानदार था हमारे यहाँ का। जी सर। तुम हो सर, हम लोग जुड़े हुए हैं सर। है? हम लोग सभी जुड़े हुए हैं सर, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। दरभंगा हाउस में टॉप कौन की थी सर? उस समय टॉप किए थे सर इनके चौधरी के कोई भतीजा थे, वही टॉप किए थे सर। वो कभी क्लास में आए नहीं थे लेकिन टॉप वही हुए थे। वर्ल्ड बैंक का समर्थन रहा होगा। जी सर। टॉपे हो क्या गए? जी। तृतीय चरण समाप्त हो गया, अब लगेगा कि काम हो गया, लेकिन नहीं, IVRD तो पुख्ता है। अब है चतुर्थ चरण। अब लग रहा है कि अब चतुर्थ चरण में क्या करेगा। तो मान लीजिए कि 4 साल का प्रोजेक्ट है या 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो तीनों साल हर 6-6 महीना पर एक्सपर्ट आवेगा यह देखने के लिए कि काम कितना प्रोग्रेस हुआ, एक्चुअली तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम उठ रहा है तो डायरेक्ट PM से मिलेगा, डायरेक्ट PM से मिलेगा, डायरेक्ट CM से मिलेगा एक्सपर्ट। और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो और टाइम पर फैक्ट्री चलने लगे, इसके लिए चतुर्थ चरण। साल में कई बार IVRD से इसको के प्रोजेक्ट स्थल भारत में आकर निरीक्षण करे, निरीक्षण करेंगे कि कितना काम प्रगति किया है। इतना काम प्रगति किया कोई बाधा है तो वो IVRD सरकार से मिलेगी।
और बाधा दूर करवाई। बाकी समय पर इसको प्रोजेक्ट से जैसे इसको के प्रोजेक्ट द्वारा माल आईवीआरडी के द्वारा बेचना आरंभ हो गया। पेमेंट आईवीआरडी शुरू हो गया। चतुर्थ चरण समाप्त को प्रोसेस ऑफ लोन ग्रांटिंग प्रोसेस ऑफ लोन ग्रांटिंग प्रोसेस ऑफ लोन ग्रांटिंग प्रोसेस ऑफ लोन ग्रांटिंग का लिखा गया मैं अंदर जी सर लिखा गया एंड ऑफ द क्लास। प्रणाम सर कल मिलेंगे हम लोग ठीक 7 बजे। तब तक ले शुभ रात्रि।